हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम टेक वायरल। आज का हमारा डार्ट सीरीज के आगे का टॉपिक होने वाला है ऑपरेटर्स के बारे में, जबकि हमने इसके पहले वीडियो में अर्थमेटिक ऑपरेटर कवर किया था। आज हम इसको दूसरे ऑपरेटर के बारे में जानते हैं। मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। आज हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में जानते हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट और माइनस माइनस डिक्रीमेंट। तो आज हम इसके बारे में ही जानते हैं क्या होता है, कैसे वर्क होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वेयर आई इक्वल टू 5 ले लेते हैं। हमने यहाँ पे आई की वैल्यू 5 ले ली, इसका डेटा भी हमने वेयर ले लिया। इसको हम प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट सबसे पहले हम मैं आपको सब अच्छे समझा देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे कोड कर लेता हूँ, प्रिंट आई, प्रिंट प्लस प्लस आई, सॉरी आई, फिर इसको मैं प्रिंट आई करा देता हूँ। अब हमारा ये वैल्यू क्या है, मैं इसको समझाता हूँ। हमारी पहले आई की वैल्यू हमारी यहाँ पे 5 होगी, फिर वहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे आई पहले इंक्रीमेंट होगा, फिर हमारी आई की वैल्यू प्रिंट होगी। फिर उसके बाद हमारी जो आई की वैल्यू 5 प्लस आई जो भी होगा वो हमारे यहाँ पे प्रिंट होगा। हम इसको पहले कमेंट कर देते हैं, फिर इसको हम रन करके देखते हैं। इसको मैंने कमेंट कर दिया, कंट्रोल एस करके इसको रन करके देखता हूँ। कंट्रोल एस, इसको रन करता हूँ। हमारी सबसे पहले आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हुई 5, फिर वो एक इंक्रीमेंट हुई, आई प्लस 1 हुआ। फिर जो वैल्यू 5 प्लस 1 जो वैल्यू यहाँ पे आई होगी हमको, वो वैल्यू हमारी इसमें स्टोर हो गई। अभी ऐसे ही हम डिक्रीमेंट के लिए कर लेते हैं, प्रिंट आई कॉलम प्रिंट माइनस माइनस आई प्रिंट आई। तो मैं कंट्रोल सेव करके, कंट्रोल सेव करके मैं इसको रन करता हूँ। इसको क्लियर कर देता हूँ पहले, फिर मैं इसको रन करता हूँ। हमको वैल्यू क्या मिलती है यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हमारी, यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो, नहीं तो आप भी कन्फ्यूज होंगे, हम भी कन्फ्यूज होंगे। चलिए मैं इसको रन करता हूँ। सॉरी सॉरी, एरर आई। हमने इसको भी कमेंट कर दिया, कंट्रोल एस क्लियर रन। हमारी आई की वैल्यू पहले 4 हुई, सॉरी 5, फिर एक डिक्रीमेंट हुई, 4 आ गई, फिर इसकी वैल्यू प्रिंट हुई 4। ये तो हमारा एक तरीका हो गया। अब इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं। हमने पहले इंक्रीमेंट कराया फिर प्रिंट कराया, पहले हम प्रिंट कराते हैं फिर इंक्रीमेंट कराते हैं। तो प्रिंट आई, प्रिंट आई प्लस प्लस प्रिंट आई, इसको हम रन करके देखते हैं हमको वैल्यू क्या मिलती है। हमारे सबसे पहले हमारी प्रिंट हुई 5 वैल्यू, फिर हमारी पहले प्रिंट हुई, फिर उसके बाद हमारी वैल्यू जाके डिक्रीमेंट हुई। पहले हमारा ये प्रिंट हो गया आई, फिर उसके बाद ये वैल्यू और प्रोसेस से इंक्रीमेंट हुआ, फिर हमारी वैल्यू प्रिंट हुई 6। सेम इसको कंट्रोल सी कर, मैं कंट्रोल वी करके डिक्रीमेंट करके दिखाता हूँ। बस यहाँ पे हमारा एक माइनस माइनस ऑपरेटर होगा, फिर कंट्रोल एस करके इसको कमेंट कर देता हूँ, सॉरी कमेंट कर देता हूँ, फिर इसको मैं रन करता हूँ। सॉरी सेव करना भूल गया, इसको मैं रन करता हूँ। जैसे रन किया हमारी वैल्यू आ गई, पहले हमारी वैल्यू 5 आई, उसके बाद 5 पहले वैल्यू प्रिंट हो गई वाली, फिर उसके बाद ए ऑपरेटर यहाँ पे रन हुआ, फिर हमारी वैल्यू 4 हो गई। यानी एक हमारा सबसे पहले हमारा यानी हमने एक वैल्यू प्रिंट कराई, उसके बाद हमने डिक्रीमेंट परफॉर्म कराया। पहले हमने पहले प्रोग्राम में क्या किया, इसमें पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट करा दिया, फिर उसके बाद वैल्यू प्रिंट कराई। वही सेम हमने पहले इसमें वैल्यू प्रिंट कराई, उसके बाद हमने ऑपरेटर को परफॉर्म किया। तो हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर था।
आज का वीडियो हम इवेल्युएशन और टर्नरी ऑपरेटर के बारे में जानते हैं, क्या होता है इक्वल टू इक्वल, इक्वल लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, ये सब हम आज के आगे वाले वीडियो में जानते हैं। जब के लिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे वीडियो में आपसे मिलते हैं।